सर hmm. सर सर्कुलर मोशन बस एक ही स्यूडो फोर्स है जो रेडियल आउटवर्ड है और, और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है और hmm. कोई मतलब स्यूडो फोर्स नहीं है नहीं नहीं और स्यूडो फोर्स अलग-अलग टाइप -अलग का कहां था वो तो केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने के वजह से था पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एनी वेहीकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड यहां से जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है ऐसे आया बी पॉइंट पे फिर आया सी पॉइंट पे स्पीड कॉन्स्टेंट है स्पीड कॉन्स्टेंट है वी नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट इफ एन एज द नॉर्मल रिएक्शन एट ए A है एन बी नॉर्मल रिएक्शन एट बी और ये है एन सी तो हमें ये बताना है कि इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन पे किस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा है ए पे बी पे सी पे एन ए इज मोर देन एन बी एन सी ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो है एन ए इज़ इक्वल टू एन सी इज लेस दैन एन बी सी जो है वो एन बी एन सी एन ए डिक्रीजिंगल रोड अभी order. ये ऐसे रोड है तो फिर हॉर्जेंटल कैसे हो जाएगी सर भी हो सकता है हिल ही है ये हिल है हम्म टाइप का कोई ट्रैक है ट्रैक में व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है हम्म hmm. तो बताना है कहां पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन जनरल पाथ को भी क्या देखना है जनरल पाथ को भी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन देखना है स्ट्रेट इवन स्ट्रेट पाथ को भी हम देख सकते हैं इट इज द मोशन ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर का है सर ऑप्शन बी होगा ऑप्शन बी डी थर्ड फोर्थ सर बी 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 फॉर बॉल बी सर बी सेकंड ओके सर 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 बी। बी ठीक है और कोई आंसर और कोई वॉलंटियर हम्म कॉस्टो न्यू गेस्ट सरे पता ही है तो कॉस्टो है तो लेकिन फोन रख के गायब है डी होगा क्यों सर हो सर एन ए में सेंट्रिपिटा फोर्स नीचे लगेगा और एमजी भी नीचे होगा तो न्यूटन ओ सॉरी और जो नॉर्मल इसको टू एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एमजी बी में ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर होगा क्योंकि हाँ और एमजी नीचे तो नॉर्मल माइ और नॉर्मल इसकोल टू एमजी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर तो, तो इससे सी में ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कर तो से अगर देखेंगे वेरिएबल रेडियस ऑफ कर्वेचर का है तो अगर पे देखेंगे इसमें तो जहां पे शार्प बेंड होगा तो वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज होगा या स्मॉल जहां पे शार्प बेंडिंग होगी जैसे जैसे सरफेस फ्लैट होता जाएगा वैसे वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होता जाएगा जितना शार्प बेंडिंग होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना स्मॉल होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ए पॉइंट है ए पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉलर एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एट सी है ना ये दोनों जो हैं कॉन्वेक्स टाइप के सरफेस हैं बट रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका जहां पे ए जो है वो शार्प बेंडिंग है सी जो है थोड़ा सा फ्लैट है कर्व ज्यादा है तो आर सी इज मोर देन आर ए और ये तो चलो ठीक है ये आर बी जो है इक्वल भी हो सकता है फोटो वाइज अगर देखते हैं तो चलो ऐसा है अब इक्वेशन लिखेंगे यहाँ से एन ए में यहाँ पे एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ से जो है नॉर्मल रिएक्शन है एन ए तो ये अगर वी स्पीड से जा रहा है तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं एम जी माइनस एन ए इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ए का रिएक्शन है वो एम जी से कुछ लेस होगा एम जी माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर ए अगर यही व्हीकल हॉरिजेंटल रोड पे चल रहा होता हॉरिजेंटल रोड पे चल रहा होता यहाँ पे कि मान लो ऐसा भी हम एक ऐड कर देते कि यहाँ इसके बाद जो है ये रोड हॉरिजेंटल हो गई है हॉरिजेंटल रोड पे चल रहा होता और इसको भी मार्क कर देते कोई पॉइंट तो हॉर्जेंटल रोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होगा तो उस ऑर्जेंटल रोड पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है एम के इक्वल है बट ए पॉइंट पे कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस होगा तो वहां पे देखो एम से कम है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है वहां से कुछ डिक्रीज हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन एम से कुछ कम हो गया अब ये सोचो बहुत ज्यादा मतलब वो स्पीड में आ रहा है बिल्कुल हीरो टाइप अगर स्पीड में आ रहा है तो ये क्वांटिटी और ज्यादा हो जाएगी नॉर्मल जीरो होने के चांसेस हैं नॉर्मल जीरो हो जाएगा मतलब वहीं से वो लॉन्च हो जाएगा रॉकेट की तरह से ठीक है कॉन्टेक्ट छूट जाएगा यहाँ पे एन ए जीरो हुआ मतलब कि व्हीकल और इसका जो व्हीकल और रोड का कांटेक्ट जीरो हो गया कांटेक्ट छूट गया मतलब क्या है बहुत तेजी में अगर आ रहा है वो तो उस पॉइंट पे आएगा और ऐसे ही जो है वो लॉन्च हो जाएगा रोड के साथ कांटेक्ट में होते हुए ये नहीं मूव कर पाएगा इसलिए इधर रिस्की बिजनेस हो गया ये पॉइंट पे क्योंकि नॉर्मल कम हो गया हमें सेफ मूव करने के लिए नॉर्मल होना चाहिए बी पे अगर देखेंगे तो बी में नॉर्मल रिएक्शन और एम जी यहाँ पे सेंटर इस डायरेक्शन में है ये इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बी तो यहां एन बी जो है वो एम जी से ज्यादा हो गया नॉर्मल अच्छा हो गया यहाँ पे एम जी से भी बढ़ गया जैसे मान लो हम अगर कॉन्केव टाइप से मूव करते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर टाइप का फील होता है कि नॉर्मल जो है वो क्यों क्योंकि वहां पे नॉर्मल एम से ज्यादा हो गया पहले एम के बराबर था अभी नॉट स्क्वायर आर भी था तो इधर तो भाई नॉर्मल ज्यादा हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट छूटने की बात नहीं कितने भी स्पीड में आए बहुत धीरे स्पीड में जीरो से आएगा तो भी क्या करेगा नॉर्मल एम के बराबर होगा यहाँ कुछ नहीं है सी पॉइंट पे अगर हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि जिसका रेडियस ऑफ करवेचर स्मॉल है

तो नॉर्मल की वैल्यू नॉर्मल की वैल्यू जो है वो भी स्मॉल हो जाएगी ठीक है तो क्या देंगे आंसर अब कि सबसे ज्यादा तो लेवल रोड क्या होगा लेवल रोड पे एम के बराबर होगा कॉन्केव रोड होगा यहाँ पे गलती से भी ये मत कर देना कभी आज के बाद कि यहाँ पे तुम इसको एन बी एनबी इज इक्वल टू एम कर देना ठीक है ऐसा पाप नहीं होना चाहिए अब कि ये जो है एम से ज्यादा है पॉइंट का कोई भी कर्व जैसे ही होगा तो कर्व पे या तो एम से ज्यादा हो जाएगा या एम से कम हो जाएगा कॉनकेव टाइप होगा तो मोर देन एम जी कॉन्वेक्स टाइप होगा लेस देन एम तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा एन इज मैक्सिमम उसके बाद फिर ए ए नहीं सी एन ए इज द लिस्ट एन ए इज द लिस्ट सी तो करेक्ट ऑप्शन है सी ठीक है सारे आंसर को गलत साबित करते हुए तो ये आंसर हो जाएगा सी सर मुझे ये फर्स्ट टाइम समझ नहीं आ रहा है एमजी माइनस एल ने सर एमजी भी नीचे लग रहा है और इस एंटीपोटर फोर्स भी नीचे लग रहा है तो तो स्कॉल्ड एमजी प्लस आ, एम नॉर्मल तो ऑफिस वर्ड होगा ना आह हाँ यस सर हाँ तो वो इसके इक्वल नहीं हो सकता नीचे जो फोर्स लगे उसके इक्वल एन नहीं हो सकता अरे? एन इक्वल कैसे हो जाएगा ये क्या बात है अभी एक्सप्लेन कर रहा था अजीब बात में हाँ तो लेकिन अभी अभी अगर अभ्यागर एनबी एनए और एनसी में अगर कर्वेचर सेम होता रेडियस भी उस तरह सेम होता हां तो सेम हो जाता ऑप्शन बी हो जाता हां 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 बिल्कुल रेडियस ऑफ कर्व अच्छा शार्प बेंडिंग है इसलिए वहां पे कम है शार्प बेंडिंग खतरनाक शार्प बेंड है शार्प टर्न है तो बहुत खतरनाक हम्म फिर हम ई का एक ही टाइप ऑफ रेडियस ये, ये तो, होता? होता तो ये दोनों इक्वल होते है, और क्या होता है रेडियस कर सर, ये नहीं बोल रहा हूँ जो एन ने टू एम जी प्लस एम पी स्क्र इक्वल होता तो Mg mg कैसे आएगा प्लस नहीं आएगा ना, नहीं ना अगर अगर होता होता तो के अरे तो वो आएगा ही क्यों यहाँ पे ए पे वो इक्वेशन ही नहीं आएगा ना प्लस कहाँ से आएगा क्यों आएगा प्लस अगर इक्वल होता तो क्या होता अजीब बात कर रहा है कैसे इक्वल हो जाएगा ये कैसे इक्वल हो जाएगा एम जी यहाँ प्लस कैसे नहीं होगा लेकिन अगर होगा तो मतलब सिचुएशन होगा कैसी सिचुएशन होगी ऊपर से कोई बैठ गया होगा और क्या टू नॉट स्क्वायर बाई आर का भाई ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग के दिमाग में ख्यालों में एक से एक चीजें आ रही हैं ऐसा होता तो क्या होता ठीक है तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स हमें समझ में आ गया अब हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्किल का जो है होता है कांस्टेंट इन जनरल जो है हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉन्सेपचुअल uh, अप्रोच है वही हमारे लिए यूजफुल है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी आएंगे बट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में भी एक और मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि हम लोग याद रख सकते हैं कि कभी अगर गलती से क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन में न आए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करना है तो कोई भी अगर पाथ है इस टाइप का जनरल अगर पाथ अगर ऐसे मूव कर रहा है कोई पार्टिकल अगर जनरल मूव कर रहा है तो हम कोई पॉइंट अगर देखते हैं उस पॉइंट पे पार्टिकल का कुछ एक्सलरेशन है और उसकी कुछ वेलोसिटी है वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ एंड एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ये ये एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में टेंजेंट से लेके टेंजेंट से लेके ये यहां तक हो सकता है बट इसके दूसरे साइड नहीं जाएगा यहां से इसके साथ इस एक्सेलरेशन का ये है ए एंड तो कोई जनरल एक एक्सलरेशन है एक्सलेशन विल डिपेंड ऑन फोर्स वेलॉसिटी विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो यहां पे इसका जो हम अगर इसको रिजॉल्व करते हैं इसको रिजॉल्व करते हैं एक्सेलेशन को रिजॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा A cos theta, A cos theta जो है वो वेलोसिटी के है, और ए साइन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा yes, जो एक्सेलेशन का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है वो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर पाएगा वो क्या चेंज करेगा ओनली डायरेक्शन और जो

और इट इज द कॉम्पोनेट ऑफ एक्सलेशन विच इज पर रेडियस ऑफ कर्चर वी स्क्वायर बाई ए सी वी स्क्वायर बाई ए सी जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टिकल है पार्टिकल को जो है हमने प्रोजेक्ट किया है यहाँ से और पार्ट के लिए यहां से प्रोजेक्टाइल है प्रोजेक्टाइल है ये यू है ये थीटा है और यहाँ से ये प्रोजेक्ट करने के बाद ये ऐसे पैराबोलिक पाथ प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा हुआ है वंस अपन अ टाइम इन क्लासरूम यहाँ पे ये ए है ये हाईएस्ट पॉइंट ये मिडिल पॉइंट है कहीं पे कोई पॉइंट है बी जहां पे उसकी स्पीड पार्टिकल की स्पीड कम होती जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या स्पीड जीरो रहेगी सी पॉइंट पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल सी पॉइंट पे स्पीड ऑफ पार्टिकल जीरो कंपोनेंट कंपोनेंट जीरो जीरो रहेगा। पे यहाँ पे स्पीड जीरो हो जाएगी बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो तो वहीं गिर जाएगा ना यहाँ पे हॉर्जेंटल कंपोनेंट होता है टल कॉम्पोनेंट है ठीक तो yes. है यू कॉस्थीटा प्रोजेक्टाइल में क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हॉर्जेंटल एक्सलेशन जीरो होता है जो भी एक्सलेशन है वो वर्टिकल है किस डायरेक्शन में है वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा है जी yes, तो ये जो है मोशन अंडर ग्रेविटी है और टू डायमेंशन प्लेन में है टू डायमेंशन में है तो इसके जो एक है एक वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ से यू साइन थीटा भी है यू थीटा भी है तो यू साइन वाला जो है वो डिक्रीज करता है इसके वजह से और यू थीटा को कोई कुछ नहीं करता है क्योंकि हॉर्जेंटल में कोई एक्सलेशन नहीं है तो थ्रू आउट द मोशन यू थीटा कॉन्स्टेंट ही थी रहता है यहाँ से यहाँ तक टोटल ये बी एक कोई बीच कोई एक पॉइंट है जहां पे स्पीड इसकी कुछ वी डैश है

फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए बी एंड सी ए बी एंड सी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए अभी देखा है कि हम वेलॉसिटी देखेंगे और एक्सलरेशन देखेंगे और एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट देखेंगे एलोंग द वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो अगर ये जी डाउनवर्ड है ये जो है पाथ के टेंजेंशियल है ये एंगल थीटा है ये एंगल थीटा है तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप करते हैं से ये परपेंडिकुलर लाइन है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन है तो ये एंगल थीटा तो ये नाइन्टी माइनस थीटा होगा और ये हॉर्जेंटल वर्टिकल है तो कॉम्प्लेक्स जोमेट्री अप्लाई करने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि ये भी थीटा है तो यहां से जो है जी को हम रिजॉल्व कर लेंगे ये हो जाएगा जी कॉस थीटा और ये होगा जी साइन थीटा तो कोई पूछेगा व्हाट सो व्हाट इज द पॉइंट एट ए अगर हम बोले एट ए व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सिलेशन तो टेंजेंशियल एक्सलेशन जो एक्सलेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है

पॉइंट बी पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पे भी जी वर्टिकली डाउनवर्ड है जी वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वैसे ही इसको टेंजेंट को एक्सटेंड करेंगे यहाँ से इसके ऊपर पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये 90 माइनस थीटा बाई टू होगा सो दिस विल बी थीटा बाई तो यहाँ पे जो है जी कॉस थीटा बाई जी कॉस थीटा बाई जी कॉस थीटा बाई टू यहाँ पे जी साइन थी टू यहाँ पे बट स्पीड स्पीड हमें अनोन है यहाँ पे ना स्पीड अनोन है तो अगर एंगल गिवन है किसी पॉइंट पे जा रहा है तो, तो स्पीड पॉइंट पे इक्वेशन क्या लिखेंगे बी पॉइंट का जो इक्वेशन होगा बी पॉइंट का इक्वेशन एट बी एट बी बी का इक्वेशन बी डैश स्क्वायर ए इसको मार्क कर देते हैं ऐसे। रेडियस एट बी इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा बाय टू थीटा बाय टू इज गिवन थीटा बाय टू गिवन है

सी का स्क्वायर हो जाएगा रेडियस अब कुछ है नहीं मत यू स्क्वायर कॉस्ट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस्ट थीटा बाय टू कॉस्क्यूब थीटा बाय टू वैल्यूज के बिनों की ए बी नेक्स्ट सी सी का बता दो अभी कोई बताएगा

रेडियस ऑफ कर्चर एट सी हो जाएगा आर सी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा वेलोसिटी का स्क्वायर क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है और वेलोसिटी तो हॉर्जेंटल है मतलब ये ये है तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थी ये है रेडियस ऑफ करवेचर वेलोसिटी हॉर्जेंटल है एक्सलेशन वर्टिकल uh, है तो ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है तो हमें रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है ये ठीक है यस 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 सर, सर, सर। चलो तो ये तो हुआ कॉन्सेप्चुअली फाइंड करने के लिए अब मैथमेटिकली है एक इक्वेशन है जो जिसपे हो सके कभी आ जाए ऐसे तो नहीं आएगा तुम्हें कॉन्सेप्चुअल ही करना है हमेशा बट मान लो अगर हमें ये पाथ नहीं पता है वेलोसिटी नहीं पता है वेलोसिटी जो है बस ये दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल जो है वो वो तो वेलोसिटी पता होना चाहिए एक्सलेशन पता होना चाहिए तब कर सकते हैं दोनों नोन होने चाहिए अब दिया हुआ है कोई पार्टिकल है इस टाइप का फंक्शन है उसका इक्वेशन दिया हुआ है कि ये उसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन है जिसका डेरिवेशन है नहीं एज इट इज तुम्हें याद रखना है मतलब है बट उसकी कोई जरूरत नहीं है तो इसका है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट आर आर इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी होल स्क्वायर टू दावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई डी स्क्वायर ये मासूम फार्मूला यूज करना है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं पे फाइंड करना है तो अगर जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगा यहाँ पे वेलोसिटी नहीं गिवन है एक्सलेशन नहीं गिवन है दिया टाइप के पाथ पे जा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो तो वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल करेंगे जिस भी पॉइंट पे ये वैल्यू पेल्यूलट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का ठीक है ये फॉर्मुला याद रखना है डेरिवेशन इसका हमारे स्कोप में है नहीं और रिक्वायर्ड भी नहीं है फॉर्मुले से हो जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके एप्लीकेशन को देखते हैं कि वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल प्लेन में एक पैराबोलिक वायर है वर्टिकल प्लेन में पैराबोलिक वायर का फ्रेम है ऐसे पैराबोलिक वायर का फ्रेम है इस टाइप का है वर्टिकल प्लेन में है ये तो वर्टिकल प्लेन में पैराबोलिक वायर है और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर क्वल टू टू एक्स हैं अब इसमें दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल है या कोई रिंग है या ऐसा मान सकते कोई इस टाइप का पैराबोलिक सरफेस है उस सरफेस में कोई पार्टिकल स्लाइड करते हुए आ रहा है और इस रिंग की जो स्पीड है इस रिंग की स्पीड है मान लिया टू मीटर पर सेकेंड है और इस रिंग का जो मास है वो कुछ है मान फाइव हंड्रेड ग्राम का है मतलब क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक वा, एक पैराबोलिक वायर है उस पैराबोलिक वायर पे कोई एक रिंग है जो कि स्लाइड कर रहा है स्लाइड करते करते वो कहाँ आ गया बॉटम पे आ गया और बॉटम पे उसकी स्पीड क्यों है कि स्पीड इज इक्वल टू टू मीटर पर सेकेंड एंड मास इक्वल टू फाइव हंड्रेड ग्राम सो फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाई द वायर ऑन द रिंग फाइंड फोर्स अप्लाइड फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द रिंग बाय द रिंग ऑन द वायर या by the ring on the wire by the ring on the wire on the wire by the ring jo bhi hai dono same cheeze hain ki wire ring ke upar force apply kare hai ring wire ke upar force apply kare dono kya find karna hai hame yahan pe normal reaction find karna hai normal reaction किस point पे find करना है बिल्कुल lowest point पे और वो lowest point है कहाँ पे है वो origin पे है

ये तो पता है भाई कि ये जो कॉन्केव टाइप का है तो सेंटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में कहीं होगा तो वो हो जाएगा एन माइनस एम जी जो है एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर एम वी स्क्वायर बाई आर तो यहाँ पे रेडियस आर क्या है लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सर्किल में सर्किल में कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर था उस पाथ का एक ही रेडियस था बट अगर कोई जनरल पाथ होगा तो उसके वेरिएबल हैं तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करना करेंगे वो जो है हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है तो इक्वेशन में क्या इवेलुएट करना होगा पहले हमें डीवाई बाई डी एक्स इवेलुएट करना होगा तो उसको पहले सही कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स अगर करेंगे तो फॉर्मूले को याद करोगे तो डीवाई बाई डी एक्स शायद ऐसा हो जाएगा फोर एक्स हो जाएगा Yes, yes, Four. Four. लंबी लंबी में जमाई भी ले रहा है है कौन? ये ये, जो डबल <laughs> करेंगे, हो हो जाएगा ये. हो जाएगा, अब यहाँ पे आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं आर आर yes, के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट इज वन प्लस वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर थ्री बाई टू

ये फंक्शन पहले फंक्शन लिख लेना है अब एक्स जीरो यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वन बाई फोर मीटर yes, तो वहां ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई फिर उसके बाद हम एन की वैल्यू एन ही है रिएक्शन फोर्स एन है तो एन एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर एम बी स्क्वायर बाई आर तो आर की वैल्यू है फोर वन बाई फोर तो ये क्या हो जाएगा एन की वैल्यू स्मॉल एम प्लस एम वी स्क्वायर तो ये वी स्क्वायर है वी स्क्वायर टू है वो भी फोर है फाइव हंड्रेड ग्राम का हाफ के जी का है तो और ये हो जाएगा सिक्सटीन ये एट हो जाएगा एट न्यूटन ठीक है एट न्यूटन ट्वेंटी सिक्स होगा ट्वेंटी सिक्स होगा ना टेन हो हो ऐड करेंगे ना अब थर्टीन आएगा हाँ हाँ यस yes, सर मतलब एकदम ट्वेंटी सिक्स होगा ये हो जाएगा थर्टीन न्यूटन ठीक है आप कुछ यस सर तो ये हो जाएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन किसी जनरल टाइप के पाथ पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं तो सारे केसेस का सोल्यूशन है हमारे पास रेडियस ऑफ वेलोसिटी एक्सलेशन गिवन है जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस पे आने के चांसेस है बट इन केस अगर आता है ये इस टाइप का कुछ हो गया कि कहीं कहीं एक फंक्शन दिया हुआ है उसमें बताओ तो ऐसे कर लेंगे तो ये तो हमने फाइंड किया रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद है एंगुलर क्वांटिटी एंगुलर क्वांटिटी में है एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में डिफाइंड कैसे है अबाउट एनी पॉइंट ये बताया हुआ है कि एंगुलर क्वांटिटीज के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर एंगुलर क्वांटिटीज अलग ही हैं वो क्वांटिटीज हैं वो डिफाइंड हैं सर्किल के लिए वो आता है किसी भी टाइप के मोशन के लिए हम उनको डिफाइन कर सकते हैं जैसे स्ट्रेट रोड में अगर कार ऐसे ऐसे मूव कर रही है तो हम अपने हेड को टर्न कर रहे हैं हेड को टर्न कर रहे हैं तो वो क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कुछ मान लो कार अगर ऐसे जा रही है मान लो बहुत दूर से आ रही है कार तो तुम ऐसे धीरे धीरे देख रहे हो जैसे ही तुम्हारे सामने से जा रही है तो तुम्हें सडनली इसको टर्न करना पड़ता है तो सडनली टर्न कर रहे हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आँग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है इस मोमेंट पे फास्ट है तो इस मोमेंट पे फास्ट है मतलब जब ज्यादा फास्ट टर्न करोगे मतलब उस मोमेंट पे एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तो जो हम एंगुलर वेलोसिटी अगर डिफाइन करते हैं किसी भी टाइप के लिए जो डिफाइंड है कि अगर ये है वेलोसिटी ऐसे और हमें फाइंड करना है कि एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओ आर डिस्टेंस है एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओ तो यहां से ये एंगल अगर थीटा है तो इस वेलोसिटी का जो रोटेशनल इफेक्ट जनरेट करेगा वो कौन सा कॉम्पोनेंट होगा v साइन थीटा अगर थीटा डिग्री वेलोसिटी का एंगल है हम सबको भूल जाते हैं बाकी सारे कॉम्पोनेंट को भूल जाते हैं तो v कॉस थीटा की वजह से क्या रोटेशन जनरेट होगा वो तो जो है डिस्टेंस को इंक्रीज करने में लगा हुआ है वो जो है डिस्टेंस को इंक्रीज करने में लगा हुआ है तो जो रोटेशनल इफेक्ट आएगा जो रोटेशन आएगा या ओमेगा में जो वेलोसिटी आएगी वो क्या हो जाएगा ओमेगा अबाउट ओ इज इक्वल टू वी कॉस थीटा वी साइन थीटा बाय आर मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी आर के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर ये है इस पॉइंट के बाउट एंगुलर वेलोसिटी तो ये कौन-कौन बता दीजिए ना